सबसे चौंकाने वाली खबर इसराइल से सामने आ रही है, क्योंकि इसराइल अब यूक्रेन के युद्ध में अपने सबसे खतरनाक हथियार के साथ उतर सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि पुतिन भी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। पुतिन ने यूक्रेन का लेपर टैंक फोड़ दिया। पुतिन ने चैलेंजर टैंक को वार्निंग दे दी। पुतिन के तेवर देखकर जाहिर है अमेरिका का एब्रम्स टैंक वाला इरादा डगमगा गया है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की को बचाने के लिए अब दुनिया के एक और बहुत ही खतरनाक टैंक का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। यह है इसराइल का टैंक मरकावा। दुनिया के सबसे खतरनाक टैंक में इसे गिना जाता है। इसराइल का मरकावा दुनिया के सबसे सीक्रेट टैंक के रूप में यह पहचाना जाता है। जिस टैंक के खिलाफ अचूक मानी जाने वाली मिसाइल भी नाकाम हो जाती है। यह ऐसा टैंक है जिसे लेकर इसराइल ने फैसला किया है कि वो इसे कभी किसी और देश को नहीं बेचेगा। क्या इसराइल ने ज़ेलेंस्की की मदद करने के लिए 50 साल पुरानी अपनी कसम तोड़ दी है? क्या ज़ेलेंस्की की हालत देखकर नेतन्याहू का दिल पिघल गया है? क्या वो रूस को ईरान वाली मदद के खिलाफ एक बहुत बड़े मोर्चे में अपना सबसे बेहतरीन टैंक मरकावा देने के लिए तैयार हो गए हैं? इस वक्त दुनिया की निगाहें इसराइल पर है, क्योंकि वहां से आने वाली रिपोर्ट को देखकर पुतिन नाराज होंगे। इसकी संभावना 100% है। जेरूसलम पोस्ट और टाइम्स ऑफ इसराइल, इन दोनों ने इसराइल के रक्षा मंत्रालय के निर्यात वाले विभाग का हवाला दिया है, जिसके चीफ यायर कुलास ने कहा है कि इसराइल अब कई हथियार निर्यात करना चाहता है जो उसने पहले कभी नहीं की, और इसे मरकावा टैंक भी शामिल है। अगर ये सच है तो ज़ेलेंस्की की मदद वाली पुकार इसराइल ने सुन ली है और नेतन्याहू ने फौरन इस पर जवाब दिया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मरकावा टैंक को लेकर इससे बड़ी खबर है, और वो खबर यह है कि इसराइल के मीडिया में इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि मरकावा टैंक दो देशों को बेचा जा सकता है, और इसमें एक यूरोप का है। लेकिन इसराइल के अधिकारी ये बताने को तैयार नहीं कि यूरोप में ये देश कौन से हो सकते हैं। वो मरकावा को लेकर इस बात को सीक्रेट रखना चाहते हैं। सवाल है कि क्या इसराइल यूक्रेन को मरकावा टैंक देने जा रहा है? क्या चैलेंजर, लेपर्ड और एब्रम्स के बाद मरकावा भी रूस के सैनिकों का खून बहाने के लिए तैयार किया जा रहा है? क्या ज़ेलेंस्की को यह इसराइल का सबसे बड़ा गिफ्ट कहा जाएगा? क्योंकि ज़ेलेंस्की को इस तोहफे के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ा। जिस तरह वो लेपर्ड और एब्रम टैंक्स के लिए नेटो से भीख मांगते रहे, लेकिन इसराइल अब इस गिफ्ट को एक और सरप्राइज वाले डब्बे में बंद करके ज़ेलेंस्की को थमा सकता है। मरकावा क्या ज़ेलेंस्की को बचा लेगा? क्या ये टैंक जो अब गजा या फिर वेस्ट बैंक पर चढ़ाई करते हुए देखा गया है, क्या वो यूक्रेन की जमीन पर रूस को चैलेंज कर पाएगा? मरकावा को लेकर बहुत सी बातें हैं जो आज भी इसराइल की डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर ही सीक्रेट बनकर रह गई हैं। दुनिया इस टैंक के बारे में बहुत सी बातें नहीं जानती है। इसराइल की भाषा हिब्रू में मरकावा का मतलब होता है रथ, और अब यही इसराइल की थल सेना का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। इसराइल अरब देशों के साथ 1967 में हुए युद्ध के बाद इसे बनाना शुरू कर दिया। 1973 के युद्ध के बाद इसके डिजाइन में और बदलाव किए गए। के दशक में बना मरकावा 80 के दशक से ही इसराइल का मेन बैटल टैंक बना हुआ है। अब इसराइल इसका नया वर्जन मार्क 4 शामिल करती जा रही है, जो ज्यादा आधुनिक है। ये 65 टन का टैंक है। इसकी गन 120 मिलीमीटर की है। इसे एंटी टैंक मिसाइल भी फायर की जा सकती है। 1500 हॉर्स पावर वाले इंजन से ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ सकता है। सबसे खास बात यह है कि दूसरे टैंकों की तरह इस टैंक का इंजन पीछे नहीं आगे होता है, ताकि दुश्मन के हमले के वक्त इस टैंक में बैठे सैनिक सुरक्षित रहें। अगर मिसाइल से अटैक भी हो तो आगे के हिस्से पर उसका असर हो। यह टैंक बड़ा होता है और इसमें 4 क्रू मेंबर के अलावा 6 सैनिक भी सवार हो सकते हैं, यानी एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के तौर पर भी काम करता है। यानी अगर यूक्रेन को ये मिला तो
ज़ेलेंस्की की सेना एक टैंक के साथ दो काम कर पाएगी और वो भी पूरी सुरक्षा के साथ। मरकावा में एब्रम्स की तरह द ट्रॉफी एपीएस यानी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगा होता है जो इसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से बचाता है। ये टेक्नोलॉजी अब आधुनिक टैंकों के लिए बहुत जरूरी बन चुकी है। मरकावा अगर ज़ेलेंस्की को मिला तो उसका मुकाबला रूस के T-90 टैंक से होगा, इसलिए यूक्रेन में अब टैंकों की लड़ाई जबरदस्त होने वाली है। इनमें एक तरफ यानी ज़ेलेंस्की का चैलेंजर टैंक है और साथ में लेपर्ड टैंक और दूसरी तरफ पुतिन का T-90 टैंक। अगर मरकावा आया तो युद्ध और खतरनाक होगा। यूक्रेन युद्ध में टैंकों के बीच मुख्य मुकाबला इन टैंकों के बीच होने जा रहा है। हालांकि रूस का T-72 टैंक भी है जो इन टैंकों के साथ अपनी तोप शक्ति को आजमाएगा। देखा जाए तो यूक्रेन जैसे युद्ध में तो ऐसे टैंक और बड़ी जरूरत बन गए हैं, क्योंकि यहां चल रहा टैंक युद्ध अब बहुत ज्यादा खतरनाक दौर में पहुंच चुका है और इसका ट्रेलर पुतिन ने लेपर्ड की लाश दिखाकर पूरी दुनिया में रिलीज कर दिया है। पुतिन ने ज़ेलेंस्की की आर्मी पर हुए हमलों के कई वीडियो और तस्वीरें जारी की हैं। इनमें यह फोटो पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। ज़ापोरिज़्या के पास ज़ेलेंस्की ने अपना पहला लेपर्ड टैंक खोया, जिसके साथ ब्रैडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल यानी बख्तरबंद गाड़ियां भी थी। ये तस्वीर पूरी दुनिया के अखबारों और वेबसाइट पर छपी और इस तस्वीर ने दो देशों को बहुत शर्मिंदा कर दिया। И вчера были леопарды. Они горят. Также будут гореть и F-16. Сомнений нет. Путин леопард танк का नाम ले रहे हैं। पुतिन ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल का नाम ले रहे हैं। पुतिन का कहना है कि ऐसे हथियारों को अब बख्शा नहीं जाएगा। नेटो जो भी देगा उसका खात्मा हो, इस बात को रूस पक्का करेगा। दरअसल ये दोनों बहुत ही खतरनाक हथियार ज़ेलेंस्की को नेटो से मिले हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने काउंटर अटैक में बहुत बड़ा नुकसान देखा है और अब ये तस्वीरें उनके लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की वजह बन चुकी है। यूक्रेन के युद्ध को जुलाई महीने में 1.5 साल का वक्त हो जाएगा। अभी तक इसराइल ने यूक्रेन को हथियारों वाली मदद नहीं दी है, जबकि ज़ेलेंस्की की तरफ से आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की जाती रही है। इसराइल रूस को नाराज नहीं करना चाहता है, लेकिन अब इसराइल के लिए सोचने का वक्त है, क्योंकि इसराइल का नंबर वन दुश्मन ईरान ने रूस को हर मौके पर मदद दी है। जब से ज़ेलेंस्की को नेटो से लेपर्ड और चैलेंजर जैसे टैंक मिले हैं, ऐसा मुमकिन है कि इसराइल का मन बदल रहा है और वो अब ज़ेलेंस्की को अपना मरकावा टैंक देना चाहता है। ऐसा यूक्रेन युद्ध पर करीब नजर रख रहे विशेषज्ञ मानते हैं। इस वक्त यूक्रेन में दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक युद्ध हो रहा है। जनवरी के साथ फरवरी के बाद ये दौर शुरू हो गया था, लेकिन जून में तो ये लड़ाई और खून बहा रही है। पुतिन खेरसोन हिस्से जीतना चाहते हैं। बखमुत के साथ वो सोलेदार जीत चुके हैं और अब पुतिन को पूरा डॉनबास बचाने के साथ साथ पश्चिमी यूक्रेन पर भी चढ़ाई करनी है। यही पुतिन का फैसला है, यही पुतिन का इरादा है और यही पुतिन ने ठान लिया है। इसके लिए पुतिन ने बड़ी रणनीति बनाई है, क्योंकि अब जाहिर है कि टैंक अब यूक्रेन में बहुत ही खतरनाक युद्ध के लिए सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। टैंक ही वो मशीन है जो अब यूक्रेन के युद्ध का फैसला करेगी। इसीलिए पुतिन ने अपनी आर्मी कमांड में बहुत पहले ही बड़ा बदलाव कर दिया था। इस वक्त रूस के टॉप टैंक कमांडर वलेरी गेरासिमो रूस की सेना में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। वलेरी गेरासिमो आर्मर्ड कोर ऑफिसर हैं और टैंक युद्ध के बहुत बड़े और खतरनाक खिलाड़ी माने जाते हैं। जनरल वलेरी गेरासिमो के आने के बाद अब रूस का फोकस टैंक वॉर पर है और साथ में अटैक हेलीकॉप्टर की वो जुगलबंदी जिसके सहारे टैंक रेजिमेंट यूक्रेन की जमीन को चीरते हुए आगे बढ़ रही है। यूक्रेन में टैंक युद्ध बहुत खतरनाक दौर में पहुंच चुका है, क्योंकि दावे बहुत बड़े बड़े किए गए हैं। फिलहाल सबकी नजर चैलेंजर पर है, लेपर्ड टैंक पर भी दोनों बहुत भारी टैंक है और यूक्रेन की दलदली जमीन पर वो भी बुरी तरह फंस सकते हैं। रूस के हेलीकॉप्टर पावर के आगे वो भी जूझते हुए नजर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसलिए जनरल वलेरी गेरासिमोव ही चाहेंगे कि अपने पूरे करियर का ख्वाब
वो पूरा करेंगे, यानी नेटो के टैंक को अपनी सर्विस में ऐसी धूल चटाए कि ब्रिटेन और जर्मनी से लेकर अमेरिका भी याद करे कि पुतिन के किसी टैंक कमांडर से पाला पड़ा था।